हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्फोसाइडो में। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ ऑटोमेटिकली सॉफ्ट डिस्पेंसर को, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने 3 सॉफ्ट डिस्पेंसर बाय किए हैं और ये फॉर्म के रूप में आपके लिक्विड को आउटपुट में कन्वर्ट करता है। तो ये तीनों जो फॉर्म सॉफ्ट डिस्पेंसर हैं ये बहुत ही कारगर हैं। इनफैक्ट आज का जो ये हमारा एपिडेमिक चल रहा है COVID-19 जो कोरोना वायरस है, तो ऐसे में हमें जो हमारी हेल्थ टीम है, WHO टीम है, वो हमें कहती है कि हमें बार बार अपने हैंड को वॉश करते रहना चाहिए। तो आपको पता ही होगा कि अगर हम घर में अपने सॉप से अपने हैंड को वॉश करें तो सॉप भी कितना मैसी हो जाएगा और हम घर के सारे फैमिली मेम्बर्स उसी एक ही सॉप को यूज़ करते हैं, तो वो थोड़ा अनहाइजीनिक है। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने यहाँ पे अपग्रेड किया है फॉर्म ये सॉफ्ट डिस्पेंसर को। आप देख रहे हैं यहाँ मैंने 3 सॉफ्ट डिस्पेंसर बाय किए हुए हैं और ये दो तो एक तरीके के हैं और ये जो हैं वो अलग तरीके का है। तो आइए इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं किसका फ़ीचर अच्छा है और कौन सा अच्छे से काम करता है। तो एक एक करके मैं सारे इनके फ़ीचर्स और हर चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में बताऊँ। तो सबसे पहले हम अनबॉक्स करने वाले हैं इस पिग्गी फेस वाले डिस्पेंसर को। ये रहा आपका पिग्गी फेस डिस्पेंसर जो कि मैंने उस डब्बे से इसे अनबॉक्स किया है। साथ ही इसके साथ हमें मिला है यूज़र मैनुअल जो कि चाइनीज़ लैंग्वेज में है, तो मैं इसे किनारे रख देता हूँ बिकॉज चाइनीज़ हमें आती नहीं है। और आइए मैं आपको एक एक करके इसके फ़ीचर्स के बारे में बता दूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं 0, 1, 2, 3। 0 ये ऑफ़ है, 1 करता हूँ तो ये प्रोग्राम्ड है 1, 2, 3 लेवल पे, यानी कि इसके आउटपुट्स जो होंगे सॉप जो फॉर्म आएगा अगर 1 पे करते हैं तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी होगी, 2 पे करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा होगी और 3 पे करते हैं तो और भी ज़्यादा होगी। और उसके साथ यहाँ पे इसके 2 इंडिकेटर्स हैं। ये जो इंडिकेटर है ये पावर ऑन ऑफ चार्जिंग के लिए चलता है। ये जो इंडिकेटर है जब हमारा डिस्पेंसर हम यहाँ पे इसको हाथ लगाते हैं इस सेंसर के पास तो जब भी आउटपुट देता है तो इसके लिए ये लाइट जलती है। साथ ही इस डिवाइस को हम खोल के देखते हैं, इसके अंदर हमें मिलता है एक डबल ए साइज़ का चार्जेबल सेल जो कि इसमें लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। साथ ही इस सिलिकॉन रबड़ को हटाने के बाद हमें मिलता है यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग भी सपोर्ट करता है ये। तो अगर हमारे अगर इसके अंदर हमारी डिवाइस के अंदर हमें हमारे पास ये सेल नहीं हो, अगर सेल ख़राब हो जाता है या रिप्लेस करने की नौबत आती है तो उस केस में हम इसे टाइप सी USB के थ्रू भी डायरेक्ट चला सकते हैं। और ये तो हो गया। लिक्विड फील करने के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखे हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हो ये ओपन और ओपन के लिए साथ एरो दिया हुआ है। तो इससे पकड़ के हमने ऐसे आगे की तरफ पुश किया और ये बॉक्स खुल गया। इसमें हमने लिक्विड फील करना है और फिर हमें इसे सिंपली ऊपर की तरफ दबा करके और डाउन की तरफ इसे पुश कर देना है। ये तो था ये डिवाइस का। अब मैं इसे ऑन करके दिखाता हूँ आपको। ये डिवाइस जो है मैंने ऑन की, यहाँ से अभी मैंने ऑफ़ कर दिया। ये देखिए आप इसे, मैं 1 पे करने वाला हूँ और ये लाइट एक बार जलती है, 2 पे करने वाला हूँ 2 बार लाइट जलती है और 3 पे करता हूँ तो लाइट जो है वो 3 पे ब्लिंक करती है 3 times। और ये जो लाइट है ये चार्जिंग और ऑफ़ के लिए है, ये ऑफ हो गई डिवाइस। तो ये ऑन करने के बाद आप यहाँ एक साउंड सुन रहे होंगे और अगर मैं इसे 3 पे करता हूँ तो ये जो साउंड होगा थोड़ा लंबा होगा बिकॉज फॉर्म जो है वो ज़्यादा आउटपुट देगा, आपने सुना। तो ये डिवाइस बहुत ही बढ़िया है बिकॉज इसमें हम सॉप यानी फॉर्म आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही हम इसे चार्ज कर सकते हैं और इसके अलावा हम इसे डायरेक्ट सी टाइप USB पे भी हम इसे चला सकते हैं। तो ये डिवाइस जो है बहुत ही बढ़िया है। आप पसंद करें ना करें, आपके घर में जो किड्स होंगे इस पिगी सॉफ्ट डिस्पेंसर को बहुत पसंद करेंगे। अगर वो दूर भागते हैं हाथ धोने से, बार बार हाथ धोने से, तो वो इस पिगी फेस के साथ इंजॉय करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा वो दिन में कितने बार हाथ धो रहे हैं। इनफैक्ट आपका वो ऐसा ना हो कि आपकी लिक्विड ही वो ख़त्म हो जाए। तो ये एक था। अब आइए मैं आपको दूसरे प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। ये दोनों प्रोडक्ट्स तो एक ही है, सिर्फ मैंने इनके बॉक्सेस को दूसरे तरीके से रखा था। आप देख रहे हैं ये जो शॉप हैं ये जो दोनों बॉक्सेस हैं वो एक ही हैं और इसकी अनबॉक्सिंग एक क्विक करके मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर हमें मिलता है एक डिस्पेंसर और साथ ही हमें मिलता है एक
यूज़र मैनुअल जो कि एक तरफ चाइनीज़ में है और दूसरी तरफ जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी है। किसी भी सॉफ्ट डिस्पेंसर को फील जब करते हैं हम लिक्विड्स के साथ तो हमें उसे 1:5 आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो कि बड़ा ही क्लियरली मेंशन है 1:5 और 1:8 ये दो रेशियो हैं, यानी कि अगर हम इसमें लिक्विड को डालते हैं तो 1:1 में हमारा लिक्विड होगा और 5:5 में वाटर होगा, तभी ये जा कर के अच्छे जो फॉर्म है झाग वाले जिसे बोलते हैं झाग वाले जो फॉर्म आएंगे वो 1:5 और 1:8 के रेशियो में ही आएगा। अगर हम डायरेक्ट लिक्विड डालते हैं तो इसे सिर्फ जो इसके अंदर की मोटर्स होती है जो सिस्टम होता है वो शायद हमें आउटपुट ना दे पाए, इसलिए हमें इसमें हमेशा लिक्विड के साथ पानी मिलाना ही होगा, तभी ये फॉर्म के रूप में सॉप को बाहर निकालता है। तो ये था एम्प्टी सॉफ्ट डिस्पेंसर जिसके बैक पैनल को मैंने ओपन किया है। साथ ही आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ आइकन्स बने हुए हैं, ये सेल लगाने के लिए यहाँ पे हमें गाइड किया गया है और जो सेल होंगे वो इस पैनल में लगेंगे जहाँ पे कि हमें 4AA साइज़ के जो हैं पेंसिल बैटरी वाले सेल लगाने पड़ेंगे। और यहाँ पे इसका ये सेंसर है और यहाँ पे आउटपुट है, साथ ही ये बटन है, टच करने पे ये ऑफ ऑन होता है, टच करने पे ये ऑफ होता है। और ये तो इस डिवाइस के साथ मैंने इसका एक्सपीरियंस किया। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे दो एक डिवाइस को यूज़ कर रहा हूँ जिसमें मैंने आप देख रहे हैं यहाँ पे लिक्विड भी फील है और ये डिवाइस जो है वो मैं ऑन ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। ये रेड जल गई और ये डिवाइस हो गया ऑफ, ऑन करना हो इसे आप होल्ड करके रखें और लाइट हो गई, वाइट जली और ये हो गया ऑन। साथ ही इसे यूज़ करने के लिए जब आप इसके नीचे हैंड को लेके आएंगे तो ये लिक्विड को आउट करेगा, आपने देखा ये फॉर्म जो है इसके अंदर से आउटपुट आ रहे हैं। तो दोस्तों ये जो डिवाइस हैं इनके जो प्राइस रेंज हैं ये अप्रॉक्स 1000 इंडियन रुपीज़ के आसपास के हैं, इनफैक्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और इस कोविड टाइम में हमें ऑटोमेटिक हर चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, लाइक ऑटोमेटिक सॉफ्ट डिस्पेंसर तो बहुत ही यूज़फुल है। और मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप भी अपने घर के हर लोकेशंस पे जहाँ आपको हैंड वॉश की ज़रूरत होती है वहाँ पे आप ऑटोमेटिक डिस्पेंसर यूज़ करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आपको इससे जुड़े कोई भी सवाल जवाब हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके सवालों का इंतजार रहेगा मुझे। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।